हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफचल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर होती है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे और इसके जो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद जितने भी जो कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, आपके वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जितनी ये जो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं गाइज, देखते हैं कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका हम मीनिंग देखते हैं कि बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली आप कह सकते हो एक ढांचा होता है, एक कहते हैं संरचना होती है स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है कि कब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर बेटर होगा, प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इफेक्टिव रिसोर्सेज होंगे, राइट, और बहुत ही इफिशेंसी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है आप ह्यूमन रिसोर्सेज का, जितना भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। और वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्यों होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन बिजनेस गोल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप कह सकते हो एक प्रॉपर ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का, कि किस प्रकार उसको हमने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया है। इट outlines the role and the responsibility of every member of the organization so that the work and information flow seamlessly, ensuring a smooth functioning of the organization, right। ये कहता है कि जो roles and the responsibilities हैं, जो प्रत्येक जो वहाँ पे member हैं organization के अंदर, तो जो उनकी roles and responsibilities हैं उनको जो outline करता है, ताकि जो work और जो information है उसका बहुत ही अच्छे से फ्लो हो और स्मूथ फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, या जो वर्किंग हो रहा है उसका प्रॉपर इंश्योरिंग हो और जो हमारा फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत ही स्मूथली फ्लो हो, जितनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आउटलाइन करता है। क्योंकि डेफिनेटली जब जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अच्छे से उनके जो रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड होंगी और प्रॉपर एक ना सिस्टमेटिक फ्लो में जो इन्फॉर्मेशन है, जो वर्क का डिवाइडेशन होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्प्ले हाउ डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम टूगेदर एंड अलाइन विद इट्स गोल। ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले करता है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो एक साथ कैसे आते हैं और अपने जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने के लिए कैसे वो अलाइन करते हैं। इट्स क्लियरली डिफाइन द फंक्शन ऑफ एम्प्लाई, ये जो एम्प्लाइज होते हैं उनके फंक्शन को क्लियरली डिफाइन करता है। डेट इनेबल टू वर्क हारमोशनली एंड इफिशेंटली, ये जो वर्क होता है उसको वर्क को बहुत ही कहते हैं हारमोनी वे में, राइट, और इफिशेंटली वे में वर्क को भी इनेबल करता है। दिस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है बेसिकली, जितने भी जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको कम करता है, रिड्यूस करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गाइस आप पूरा समझो, जो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उसमें ह्यूमंस हो सकते हैं या प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्मूथली फंक्शन हो, स्मूथली फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इसलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है गाइस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। फर्दर चलते हैं, अब फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर अच्छे स्ट्रक्चर के लिए
कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। सबसे पहले आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी बहुत होना जरूरी है, क्योंकि सिंप्लिसिटी होगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा, उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी। क्योंकि सिंप्लिसिटी मीन्स क्या है कि हर चीज़ बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वहाँ पर नया एम्प्लॉयज आता है या कोई भी वहाँ पर मैनेजर है, कोई सबॉर्डिनेट्स है, तो एक सिंपल सिंप्लिसिटी होना चाहिए। यानी जो प्रोसेस है, जो उनका सिस्टम है, वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही क्लियर होना चाहिए ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में होना चाहिए, हर चीज़ बहुत क्लैरिटी, बहुत सिंपल वे में होना चाहिए। सेकंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि कोई रिजिडनेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ हम इनोवेशन करना चाहते हैं, तो ईजिली हम उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको आराम से चेंजेस कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर गाइस है वो बहुत ही रिजिड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर नहीं होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अच्छी स्ट्रक्चर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है गाइस। इसके बाद आता है क्लियर लाइन ऑफ द अथॉरिटी। यानी जो अथॉरिटी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप किसी को जो अथॉरिटी देते हो, डेलीगेट करते हो, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई डाउट है, एक अनक्लैरिटी है, क्लियरेंस नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए जो फीचर होता है इसका क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका प्रॉपर एक एप्लीकेशन होना चाहिए। आप किसी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपना जो एप्लीकेशन करे, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे से वो फॉलो करे। फिर आता है प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स है कि एक जो आपके मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट्स को एक अथॉरिटी डेलीबरेट कर रहा, तो प्रॉपर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कोई हर्डल्स आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही है, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो प्रॉपर ना सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, तो प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। देन आता है नेक्स्ट पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल। इसमें कहता है कि जो आपके मैनेजरियल लेवल्स हैं वो कम से कम पॉसिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं बहुत सारे आपने लेवल्स बना दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितने कम लेवल हो सकते हैं वो उतना ही अच्छा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। तो आपको ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जितना आपको मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल करना है, ताकि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आराम से अपने जो उनके टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट्स हैं, जो उनके सीनियर है, वो उनसे आराम से इजली टॉकिंग कर सकें। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस एंड कमांड। यानी प्रॉपर जो यहाँ पे है, जो कमांड है, जो डायरेक्शन है, उसकी यूनिटी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें किसे रिपोर्ट करना है, क्यों कोई बॉस किसको डायरेक्शन दे रहा है, तो वहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, राइट। हमें ये नहीं पता कि हमारा बॉस कौन है, राइट, हमें किसे रिपोर्ट करना है, तो एकदम प्रॉपर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कमांड होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है प्रॉपर एम्फेसाइज ऑन स्टाफ। जो स्टाफ है उनको प्रॉपर एम्फेसाइज करो, कुछ चीज़ें उनको अच्छे से आप बताओ, चीज़ें एकदम उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेट करो। देन नीचे आता है प्रोविज़न फॉर द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर एक प्रोविज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो जितना ये टॉप मैनेजमेंट के लिए अच्छा प्रोविज़न होगा, राइट, तो वो अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए होगा, राइट। तो जितने फीचर्स हैं हमने इनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया, राइट। देखते हैं नेक्स्ट आप गाइस आता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके बेसिकली कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन आता है आपका लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड आता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप लाइन जो आप एक लाइन को आप देखिए कि आपकी जब कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं तो वो एक लाइन कहीं ना कहीं वो एक लाइन जैसे आपने ये लाइन देखी, जो लाइन है वो एक एक फ्लो में हो रही है, बॉटम टू और टॉप आ रही है और टॉप टू बॉटम आ रही है, राइट। ये लाइन का फ्लो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है यहाँ पे। अब इसकी मीनिंग देखते हैं कि लाइन
ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज मोस्ट कॉमन इमंग द स्मॉल कंपनीज। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और ये कहाँ पे काम है, जितने भी जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं, छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं, स्मॉल फॉर्म्स में ये बहुत ही कॉमन होता है उनके बीच। द अथॉरिटी इज एम्बेडेड इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे अथॉरिटी होती है वो किस प्रकार फ्लो होती है, इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फ्लो होती है, एंड इट्स फ्लो इन अ डायरेक्ट लाइन, और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। हमने आपको बताया इस प्रकार ये इंफॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम मैनेजरियल हायरार्की डाउन टू द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड फर्दर डाउन टू द ऑपरेटिव लेवल ऑफ वर्कर्स। ये प्रॉपर क्या होती है, एक डायरेक्ट लाइन में फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम टॉप टू जो मैनेजरियल लेवल डाउन टू फॉलो करती है, और डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर जितने भी जो मैनेजर्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं या सबऑर्डिनेट्स के, उनको ये फॉलो करती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, राइट, एंड फर्दर डाउन टू ऑपरेट्स लेवल ऑफ वर्कर्स, और जितने भी जो हमारे वर्कर्स का लेवल है ऑपरेटिव लेवल ऑफ वर्कर्स, उनको भी डाउनवर्ड्स फर्दर जाती है। इट्स क्लियरली आइडेंटिफाई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल। और ये क्या करती है, जो हमारी अथॉरिटी जो इस यहाँ इंफॉर्मेशन है, जो अथॉरिटी है ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई करती है कि जो अथॉरिटी है, राइट, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो अकाउंटेबिलिटी है, प्रत्येक लेवल पर ईच लेवल बहुत ही क्लियरली डिफाइन होती है। आप किसी को जो अथॉरिटी दे रहे हो या किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे डिफाइन होती है, बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। इसे आप एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मैनेजर है, आपने मैनेजर को देखा, राइट, ये मैनेजर देखो आप, ये उसके नीचे क्या आ रहा है, मैनेजर ऑफ ईस्टर्न रीजन और मैनेजर ऑफ वेस्टर्न डिवीजन, दो डिवीजन है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अब यहाँ पे देखें आप, जो ईस्टर्न डिवीजन है उसके अंदर मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 है, मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 है, एंड मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल 3। तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो बिल्कुल लाइन में, डायरेक्ट लाइन में फ्लो हो रही है, और टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है, राइट। आप देखो बिल्कुल ही ना हायरार्किकल डाउन साइड जा रही है और टॉप टू बॉटम, राइट। तो ऐसे सेकेंड में जाइए प्रॉपर जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है टॉप टू बॉटम, दिस इज नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हमने ऑलरेडी लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको हमने डिस्कस करा, अब यहाँ पे आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शनल स्पेशलिस्ट, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, राइट, इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखो, द फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर एडेड टू द लाइन। यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, जो लाइन होती है, राइट, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके बीच में जो फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैं, राइट, उनको ऐड कर दिया जाता है, दस गिविंग द लाइन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिस्ट। और उस प्रकार क्या होता है, जो लाइन होती है उसको प्रॉपर एडवांटेजेस प्रोवाइड होता है, किसके थ्रू होता है, जो हमारे फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैं उनके थ्रू प्रॉपर एक एडवांटेजेस दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन इन आवर बिजनेस इकोनॉमी, जो हमारी बिजनेस इकोनॉमी है उसमें बहुत कॉमन है, एंड स्पेशली एमंग द लार्ज इंटरप्राइजेस, जितने भी जो लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं वहाँ पे ये बहुत कॉमन होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने देखा इससे पहले जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन वो जितने जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे होता था। अब जो ये जो लाइन एंड स्टाफ है, ये जो हमारे लार्ज इंटरप्राइजेस हैं, लार्ज हमारी कंपनी, लार्ज फर्म है, वहाँ पे ये स्पेशली फॉलो होता है उनके बीच। अब इसका हम एक डायग्राम देखते हैं उसकी हेल्प से, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस आप चार्ट को देखो, यहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, राइट, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके अंदर एक आते हैं यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर के अंदर फॉरमैन आते हैं, राइट, वर्कर्स आते हैं, ऐसे ही प्रॉपर दिया गया है यहाँ पे फॉरमैन वर्क। जितने भी जो मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर हो गया या प्रोडक्शन या मार्केटिंग, उनकी जो हायरार्की तो वो ही सेम फॉलो हो रही है, लाइन में जो अथॉरिटी फॉलो हो रही है, जैसे एक सीईओ था, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर फॉरमैन, वर्कर, इसी प्रकार आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, पर यहाँ पे जो बीच में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसमें कौन सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है, आप ये देखो जो
डॉटेड लाइन में दिया गया इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को, और जो लीगल एडवाइजर हैं वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे देखो आप, जो लीगल एडवाइजर हैं वो फाइनेंस मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं वो यहाँ मार्केटिंग मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, यानी जो एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट हैं उस लाइन में, वो ऐड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है, जो हमारे डिसीजन है प्रॉपर हो सके लाइन एंड स्टाफ के अंदर। तो यहाँ पे आप नोट में भी दिया गया है, जो स्ट्रेट लाइन्स है रिप्रेजेंट लाइन, इसको जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ब्रोकन लाइन्स रिप्रेजेंट स्टाफ, जितनी भी जो ब्रोकन लाइन्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो यहाँ पे स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लीगल एडवाइजर या इकोनॉमिस्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एक स्टाफ है जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसके बाद गाइज आता है यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर होगा कि फंक्शन, कोई कार्य हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी बेसिकली हम मीनिंग देखते हैं, द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट ओरिजिनेटेड विद द फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, यानी जो एफ डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने इस कंसेप्ट को ओरिजिनेट करा था, एंड इट्स परमिट ए स्पेशलिस्ट इन अ गिवन एरिया टू इन्फोर्स हिज डायरेक्टेड विद इन द क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। यहाँ पे क्या था बेसिकली, जो हमारे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने इसको ओरिजिनेट करा था, और उन्होंने क्या बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो जो डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे सी यू आ रहे हैं, तो फंक्शंस के बिहाफ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, राइट। जैसे एक सी यू है उसके अंदर क्या, उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर भी आ रहा है, फिर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर भी आ रहा है, सेल्स मैनेजर आ रहा है, फाइनेंस मैनेजर आ रहा है, अकाउंट मैनेजर आ रहा है, और एचआर मैनेजर भी आएगा, राइट। तो इनके अंदर जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं। तो सीईओ ने क्या करा, जो कंपनी का सीईओ था उसने एक अथॉरिटी फ्लो के लिए जो फंक्शंस के बिहाफ पे एक डिवाइड कर दिया, जो मैनेजर्स थे उनको जो अथॉरिटी थी वो डिवाइड कर दी। इसे उसने सेल्स मैनेजर ऐसे डिवाइड कर दिया जो उनकी अथॉरिटी थी, राइट। तो यहाँ पर फंक्शंस के बिहाफ पे होती है जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है या जो अथॉरिटी है वो डिवाइड हो जाती है, राइट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे गाइज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिविजनल माने कोई चीज को डिवाइड कर रहे हैं या कोई हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल, राइट, एक्टिविटीज विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ सिंगल डिपार्टमेंट्स और अ यूनिट, राइट। इसको जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली इसको हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये किसमें इन्वॉल्व होता है, जो पीपल या एक्टिविटीज का जो ग्रुपिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होता है, जिनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं इनटू अ सिंगल डिपार्टमेंट या यूनिट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करते हैं, उसमें हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, यूनिट वाइज हमने उनको डिपार्टमेंट बना दिया, जिनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है एज अ डिपार्टमेंट या यूनिट वाइज, हमने उनको डिवाइड कर दिया, उनका डिविजन कर दिया है। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक चार्ट आ रहा है, जो एक प्रेसिडेंट यहाँ पे है, एक डिविजन प्रोडक्ट एस है और डिवीजन प्रोडक्ट बाई है और डिवीजन प्रोडक्ट जेड है, यानी हमने प्रोडक्ट के बिहाफ पे उनका डिवीजन कर दिया, यानी यहाँ पे तीन प्रोडक्ट हैं एक्स बाई एंड जेड, उनके बिहाफ पे हमने इनका डिवीजन कर दिया। अब जो प्रोडक्ट एस है उसके अंदर भी आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस भी आएगा। सेम जो हमारा डिवीजन प्रोडक्ट बाई है उसमें भी सेम जो हमारे फंक्शंस हैं आएंगे, राइट, और जो प्रोडक्ट जेड है वहाँ पे भी सेम फंक्शंस हमारे आएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने डिवाइडेशन कर दिया है, ताकि जो हमारी एक कम्युनिकेशन है, जो हमारा एक फॉर्मलाइजेशन है, जो हमारी अथॉरिटी है या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से वहाँ पे सर्कुलेट हो सके, राइट, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना आए, तो हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाते हैं, राइट। इसके बाद गया जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दीज ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी, ये आप कीवर्ड ध्यान रखो, टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, वंस द गोल इज अचीव्ड एंड दीज मे बी डिसमेंट। यानी ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिल गया,
प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया, अब उस प्रोजेक्ट के ब्याप में हमने टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना ली, हमने एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने डिजाइन करा। और क्यों करा कि हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिला हुआ था और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिला हुआ था, जब हमारा जो अचीव है, जो हमारा गोल है गाइज, वो हमारा जब अचीव हो जाएगा, जब हम उसको हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के बाद वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, राइट। तो यहाँ पर जो क्या मतलब होता है, जो हमारा सीईओ है, राइट, देख सकते हैं यहाँ पर तीन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वन, प्रोजेक्ट मैनेजर टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजर थ्री। तीन प्रोजेक्ट हमारे पास आए थे यहाँ पे, राइट। अब इनके अंदर स्टाफ भी आ रहे हैं, राइट, इनके अंदर भी स्टाफ आ रहे हैं। तो हमने बेसिकली क्या करा कि हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर उसको बना लिया, हमने हमारे पास प्रोजेक्ट आया, हमने वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने फॉलो कर लिया। तो इस प्रकार हम बनाते हैं और जब हमारा जो गोल है वो हमारा अचीव हो जाएगा विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन जो हम जो इसको फिनिश कर देंगे, हम उसको रिमूव कर देंगे, उस प्रोजेक्ट को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हम फिनिश कर देंगे। गाइज इसके बाद हमारा आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स माने क्या होता है कि प्रॉपर मैट्रिक्स बना दिया यानी कंबाइन कर दिया, उसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। अब इसमें जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इसकी मीनिंग देखते हैं। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज इन अ सेंस कॉम्बिनेशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये किसका कॉम्बिनेशन है, किसका इंट्रैक्शन है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थी या जो हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर दोनों चीज़ें आती हैं, जहाँ प्रोजेक्ट को भी हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और हम अपने फंक्शंस स्ट्रक्चर थे उसको भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। एंड इट सजेस्टेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड द फंक्शनल स्ट्रक्चर इंडिविजुअली। यहाँ पे क्या होता है, हम ओवरकम करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, हम प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको हम अलग अलग एक असाइन करते हैं, उनको अलग अलग हम एसोसिएट करते हैं। द की फीचर ऑफ अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आर डेट द फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी आर सुपर इम्पोज बी ईच अदर एंड आर शेयर्ड बाई द बोथ फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पर वो सेम कंसेप्ट था कि कितनी भी जो हमारे अथॉरिटीज हैं हम उनको एक इम्पोज करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, कैसे देते हैं, जो हमारी फंक्शनल और जो प्रोजेक्ट हमारी लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम जो अथॉरिटीज हैं हम उनको इम्पोजेस करते हैं, प्रॉपर हम शेयर करते हैं फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसका आप चार्ट देखिए, यहाँ पर जनरल मैनेजर है, राइट, और ये जनरल मैनेजर सारे आ रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, उनके अंदर उनका जो पूरा ग्रुप आ रहा है, ये प्रोडक्शन ग्रुप हो गया, ऐसे ही फाइनेंस ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप, राइट, पर्सनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा पूरा प्रॉपर क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक फंक्शनल, हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, जो हमारा प्रोजेक्ट ए मैनेजर है, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर को भी कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर जो ग्रुप है उसको भी सपोर्ट कर रहा है, राइट, और जो मार्केटिंग है ऐसी पर्सनल ग्रुप में भी। तो यहाँ पे ये सपोर्ट इसी प्रकार है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप, जो प्रोजेक्ट भी है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो जो मिलके कंबाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट, वो हमारी एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक क्वेश्चन हमारे पीवीआई में पूछा गया है कि जो मैट्रिक्स जो हमारी है वो कब स्ट्रॉन्ग होगी, जब हमारी जो फंक्शनल मैनेजर है, जो हमारी फंक्शनल मैनेजर है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी जो ये मैट्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब जो हमारी मैट्रिक्स का वीक होगी, जब हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो हमारे वीक होंगे तो डेफिनेटली हमारी वो वीक होगी, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। इसके बाद गाइस आता है हमारा वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल इन द सेंस कि इस प्रकार बहुत लंबा टॉल एक बना दिया पैरामिड टाइप का, तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन अ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन योर बिजनेस आर अ पैरामेडिकल टॉप डाउन स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर में आपका बिजनेस होता है, यानी इस प्रकार बना दिया, जैसे आप यहाँ डायग्राम देखते हो, इस बना दिया, इस प्रकार उन्होंने बना दिया है, ऐसे बना दिया, पूरा प्रॉपर एक वर्टिकल वे में बना दिया, ये इस प्रकार उन्होंने बना दिया। बस सीईओ
प्रेसिडेंट एंड ऑनर द टॉप, यहाँ पर सब लोग टॉप होते हैं, यहाँ पर टॉप होंगे, मिडिल लेवल सेक्शन होगा एंड सुपरवाइजर एंड बॉटम सेक्शन ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय, इन्होंने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल एक हायरार्की बना दी, राइट, पैरामेडिकल बना दिया, जहाँ पे जो अथॉरिटीज है फ्लो हो रही है। द वर्ड वर्टिकल रिफर टू द फैक्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये क्या होता है यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है किस प्रकार फ्लो होता है, जो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, दैट इम्प्लाइज आर नॉट रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द choices that you make regarding how the company operates. यहाँ पे लोगों के पास choice नहीं होती, जो employees होते हैं choice नहीं होती है, वो directly बात नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी लंबा tall paramedical structure तो कैसे बात करेंगे, यहाँ पे CEO बैठे हुए हैं, यहाँ पे middle level manager बैठे हुए हैं, यहाँ पे supervisor बैठे हुए हैं, फिर नीचे उनके employees बैठे हुए, तो कैसे, बहुत typical structure हो जाता है guys, right? तो vertical organization होता है structure. इसके बाद आता है कि हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर, हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, कोई लंबा टॉल नहीं है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, जैसे आप लिखा हुआ है योर बिजनेस इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, जब आपकी जो बिजनेस है एक फ्लैट स्ट्रक्चर में है, दिस इज नोन एज अ हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स दे आर अ वेरी फ्यू मैनेजर, यहाँ बहुत कम मैनेजर्स होते हैं, एंड मोर अथॉरिटी इज ग्रांटेड टू द रैंक एंड फाइल एम्प्लॉयज, यहाँ पे कम मैनेजर होते हैं और जो अथॉरिटी है वो दे दी जाती है एम्प्लॉयज को, अथॉरिटी दे दी जाती है भाई तुम ही बॉस हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी दे दी, अब तुमको ये हैंडल करना है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ जो हमारा काम है वो हम देखेंगे, हमने आपको अथॉरिटी दे दी है, आप छोटी छोटी बातों के लिए हमें मत बताइए, आप अपने आपके अंदर जो सुपरवाइजर हैं, जो आपके अंदर एम्प्लॉयज हैं, उनके खुद ही आप बॉस हो, तो आप खुद छोटे मोटे डिसीजन को खुद ही आप लो, राइट, आपका सुपीरियर आपसे कहता है, आपको अथॉरिटीज डेलीगेट कर देता है. दिस सिस्टम अलाउज एम्प्लॉयज टू फील एम्पावर्ड, यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास पावर आ जाती है, वो एम्पावर्ड फील करते हैं, डेफिनेटली जब उनके पास अथॉरिटी आ गई है तो वे एम्पावर फील करेंगे, उनके पास पावर आ जाएगी, बिकॉज दे कैन मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, और वे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजर, अपने मैनेजर के बगैर कोई परमिशन अप्रूवल लिए वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं इन अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन. Rather than having satisfying manager, employee in a horizontal organization are motivated and driven by the company goals. यहाँ पे क्या होता है, जो employees हैं वो बहुत motivated होते हैं और company के जो goals हैं उनके लिए हमेशा drive करते हैं, उनके लिए आगे उनको achieve करने के लिए हमेशा आते हैं. Which can be improve efficiency. इस वजह से यहाँ पे जो company की working efficiency increase होगी और जो morale of the employee है वो भी कहीं ना कहीं increase होगा, क्योंकि उनके पास power आ गई है, उनको delegation of authority दे दिया गया है. तो बहुत ही अच्छा होता है जहाँ पे horizontal organization structure guys होती है. तो आपको क्लियर होगा कि वर्टिकल क्या होती है और horizontal organization structure क्या होती है. अब उसमें जो चार्ट है उसके हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखो वर्टिकल क्या है, यहाँ पर सीईओ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं मिडिल लेवल मैनेजर हैं, फिर जो सुपरवाइजर एम्प्लॉयज हैं, फिर सुपरवाइजर, तो बहुत लंबा एक टॉल स्ट्रक्चर है, राइट. जबकि यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल में खा लीजिए, बॉस बैठे हुए और मिडिल मैनेजर देन एम्प्लॉयज आ गए. तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या करा भाई, अपने अपने जो काम है इन्होंने अथॉरिटी डिलीबरेट कर दी, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पावर होता है, आपकी जो वर्किंग इफिशेंसी है वो इंक्रीज होती है और जो मोरल ऑफ द एम्प्लॉय है वो भी इंक्रीज होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फिर लास्ट में आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन. कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक कमेटी होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. हमने एक कमेटी बना ली कि हमें इस जो गोल है उसको हमें अचीव करना है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमने एक बना दिया, जहाँ पे प्रॉपर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आ गए, राइट, और उन्होंने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना एक कमेटी असाइन कर दी कि भाई आपका ये रोल अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना है, राइट. तो उसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, तो कमेटी परमानेंट भी हो सकती है, आपके पे एडॉक भी हो सकती है. तो इसकी मीनिंग देखते हैं. अ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स का जो ग्रुप होता है हु डिस्कस एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, जो मिलकर क्या करते हैं प्रॉब्लम के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं और डिस्कस करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द कमेटी इज टू डेवलप अ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी जो इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है जो ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डेवलप करने के लिए, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको बहुत बड़ा बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इनका
ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनलाइज प्लान्स, प्लान्स के लिए होता है पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम जब कोई कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाते हैं तो उसके लिए भी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है। तो कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, टेम्परेरी कमेटी हो सकती है, एंड एडहॉक कमेटी वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं या स्पेशल इवेंट पर वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड इफेक्ट। जो बोर्ड इफेक्ट अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोजेक्ट या स्पेशल इवेंट पे ये वर्क करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्विंग ऑन एन एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये आप एग्जाम्पल इसके देखिए, जो आपके पास चार्ट आ रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको कौन, उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, फिर जो जनरल मैनेजर इनके साथ इनका प्रमोशन कमेटी आ रही है, परचेस कमेटी इनके पास आ रही है, राइट, कमेटी बना दी। फिर उसके नीचे मटेरियल्स मैनेजर, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर आ रहा है। तो प्रॉपर जो मैनेजर्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर ग्रुप ने मिलकर कमेटी को असाइन कर दिया जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, एक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। और ये आपके, जैसे मैं और बता कि आपका एडहॉक कमेटी हो सकती है, आपकी टेम्परेरी या आपकी स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती है गाइज, राइट। तो गाइज ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने डिस्कस करा कि जो फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसका हमने मीनिंग देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, और हमने जो इसके जो टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके भी शेयर कर दो, राइट, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो गाइज चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, एक प्रॉपर ग्रुप है वहाँ बना हुआ है, वहाँ पे अपनी क्वेरी, अपने कंसर्न, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रख सकते हैं, प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।